नमस्कार, मैं अर्जुन, स्वागत है खबर अब तक में। बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। देश में जारी है कोरोना की मार, अब तक 56,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 1800 से ज्यादा लोगों ने गवाई जान। पिछले 24 घंटे में आए 3390 नए केस। सांसद राहुल गांधी ने सरकार से पूछे सवाल, कहा सरकार बताए कब खुलेगा लॉकडाउन और मापदंड क्या होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से भीषण ट्रेन हादसा, पटरी पर सो रहे 16 प्रवासी मजदूरों के ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी की ट्रेन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जताया शोक। औरंगाबाद ट्रेन हादसे में मरने वालों को के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि देगी महाराष्ट्र सरकार। विशाखापट्टनम गैस लीकेज पर एनजीटी ने लिया संज्ञान, एलजी पॉलीमर समेत पर्यावरण मंत्रालय को भेजा नोटिस, एलजी पॉलीमर को 50 करोड़ रुपए जमा करने को कहा। पंजाब के होशियारपुर में भारतीय वायुसेना का MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा, पायलट ने कूद कर बचाई अपनी जान। शराब पर बैन लगाने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा राज्य सरकार होम डिलीवरी पर दे ध्यान। BSF के जवानों में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, त्रिपुरा के 24 और BSF जवान कोरोना से संक्रमित। वंदे भारत का आज दूसरा दिन, मालदीव UAE समेत अमेरिका से भारतीयों को लाने के लिए रवाना हुई विमान। फेसबुक सिल्वर लेक के बाद स्टा इक्विटी बना रिलायंस जियो का नया निवेशक, 11,367 करोड़ में खरीदा 2.32% की हिस्सेदारी। UP में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री योगी का फरमान, कहा एक हफ्ते में पूरी करे सारी प्रक्रियाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख का बड़ा बयान, कहा लॉकडाउन तरीके से नहीं खोला जाए तो देश में फिर से बढ़ सकती है मुश्किलें। विश्व भर में जारी है कोरोना का कहर, रूस में आया एक दिन में 11,000 से अधिक मामले। कोरोना की मार से सुपर पावर अमेरिका हुआ बेहाल, अब तक 76,000 से अधिक लोगों की गई जान।